हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने इस वीडियो में पूरा दिखाया है कि जो बड़ी बड़ी टाइल्स होती है, लग्जरी टाइल्स, वो कैसे बनती है। तो चलिए मेरे साथ में आपको दिखाता हूँ कि बड़ी बड़ी टाइल्स कैसे बनती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रेस है जिसमें मिट्टी को दबा कर उसका एक बिस्किट बना दिया जाता है। देख रहे आप उधर, मिट्टी को प्रेस करके देखो ऐसा बन जाता है। इसकी साइज 800-1600 है, 800 बाई 1600 mm, मतलब बहुत ही बड़ी टाइल्स बनती है ये। फिर राउंड करके आगे ले जाता है उसको, और आगे जाकर ये देखो इतना बड़ा, ऊपर से देखो मिट्टी आती है, ये पूरा आप देख रहे हैं उसमें मिट्टी स्टोर होती है, और वहां से फिर प्रेस में आती है। तो ये देखो ये टाइल्स आगे गई, और आगे ये टाइल्स जाकर पूरे घूमकर फिर किलन में जाएगी। किलन में उसको थोड़ा सा टेम्परेचर पर रखेंगे, इसलिए इससे क्या होगा, जो बिस्किट है वो पक जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा मशीन है जिसकी ये लाइन ऑपरेट होती है। ये पूरा मशीन है जो आप दिख रहे हैं कैमरा में। ये दूसरा प्रेस है। इस फैक्ट्री में दो प्रेस है बड़े बड़े, जिससे क्या जल्दी प्रोडक्शन निकलता है। ये पहला और ये दूसरा प्रेस, ये भी सेम साइज का है, 800-1600 निकलता है। ये प्रेस जो है ना, इसमें आपको कोई सा भी साइज डाल सकते हो, 800-1600, 800-800। देखो इधर से गई टाइल्स बड़ी बड़ी। ये पूरा जर्मन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, इसमें भरपूर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है। ये जो आप फैक्ट्री में देख रहे हो, इधर से क्या होता है, देखता ये जो आप किलन देख रहे हैं सामने, ये पाइप वाली, उसमें जाकर वो बिस्किट को पकाया जाता है। और मैं आपको बाकी का दिखाऊंगा जहाँ से बिस्किट निकलता है। तो बने रहे वीडियो में, और वीडियो में पूरा थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको मजा आएगा, इसलिए ले चलता हूँ आगे के लिए, जो जहाँ से बिस्किट निकलता है। देख सकते हैं आप जो किलन है पीछे, और इसमें से किलन में टेम्परेचर में होकर ये बिस्किट निकलता है, जिसके बिस्किट पक जाता है पूरा। ये पूरा टेक्नोलॉजी पर और सेंसर के उपयोग से ये सब होता है। देखो एक निकला, बाद में वो नीचे होगा, फिर दूसरा आएगा, ऐसा होता है। जब इधर से लाइन पर जाएगा आगे, अब ये बिस्किट देखो, मतलब पूरी फास्ट साइकिल चलती है इसमें। देखो कितना फास्ट है, इसमें इसको घिसा जाता है, उसके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आगे 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 जा रहे हैं बिस्किट। इधर क्या होता है, इधर इस पर वो व्हाइट ग्लेज चढ़ाया जाता है, जिसको ग्लेज बूथ भी बोलते हैं। देखो जहाँ से देख सकते हैं, वो व्हाइट व्हाइट गिर रहा है। मैं दूर से क्यों क्यों बना, क्योंकि वहाँ पर क्या मेरे को वीडियो शूटिंग करने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए वो मैंने जानबूझ के छोटा सा निकला तकलीफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से राउंड होकर उस पर ग्लेट चढ़कर राउंड होकर ये जाएगी अब डिजिटल में, जिसमें डिजिटल उसका प्रिंट होता है। वो मैं अगले वीडियो में दिखाया था, आप देख लेना। इस वीडियो में दिखाया नहीं पाऊँ, क्योंकि इसमें कुछ मना कर रहे हैं वीडियो शूटिंग करने के लिए, इसलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से लाइन में आगे जा रहे हैं बिस्किट किलन में से होकर किलन में अब जाएगा, आप देखना। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, थैंक यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आगे निकला, इस पर वाइट जो ग्लेज होती है वो उस पर, वहाँ आपको दिखाया था शॉर्ट वीडियो में, जिस पर वाइट ग्लेज पर चढ़ती है। अब ये बिस्किट आगे जाएगा। तो अब क्या होगा आप देखना। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं वो क्लिप है जो हम बड़ी बड़ी टाइल्स की पैकिंग कैसे करते हैं, वो थोड़ी क्लिप मैंने बीच में ले ली है, क्योंकि क्या को सबको मजा आएगा, इसलिए आप बोर नहीं होगे वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी टाइल्स के लिए पूरे टेक्निक से इसकी पैकिंग करते हैं।
और इसमें लेबर वर्क भी ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें कोई मशीनरी का यूज़ नहीं होता। एक ये वो होता है जिसमें वो बॉक्स को बांधा जाता है दोरे से, दोरे मीन्स वो प्लास्टिक की, वो उससे बांधा जाता है। देखो ये पूरा ऐसा होता है, उठाकर पटक दिया जाता है। इससे टाइल्स कुछ भी नहीं होता, ये उतनी मजबूत होती टाइल्स। और इसमें लेबर वर्क भी ज़्यादा लगता है, मतलब इसका लेबर में भी इसका पूरा, ये जो जितना भी सिरामिक टाइल्स बनता है उसमें लेबर का पूरे पूरा योगदान रहता है, क्योंकि लेबर के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अभी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे अभी पिछले से, तो अभी वो टाइल्स होती है हमारी जो हमने देखा था, वो आगे से अब निकलेंगी, देखना यहाँ पर आगे से आएंगी आएगी। अभी अब किलन में जाएगी, मतलब अपनी किलन कितनी बड़ी है आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ी किलन है मोरबी की, आप ऐसा कह सकते हो तो आप कह सकते हो सबसे बड़ी मोरबी किलन है हमारे फैक्ट्री में। मेरी फैक्ट्री नहीं है लेकिन इस फैक्ट्री में सबसे बड़ी किलन है। मैं इसमें तीन तीन कंपोजिटर भी लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े कंपोजिटर है, जिसमें ग्लेज का देखो ये आप देख रहे हो कंपोजिटर है, उसको कंपोजिटर बोलते हैं। इसमें तीन कंपोजिटर, जिसमें टाइल्स का स्टॉक होता है, बाद में किलन में इसको डाला जाता है। देखो इतनी बड़ी किलन है हमने, बाजू में जो है वैसे वो भी आपको मैं बाद में दिखाऊंगा क्या कैसा, पूरा सब वीडियो पूरा सब आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्या क्या सब है, कैसे बनता है, कैसे उसको पॉलिश किया जाता है, नैनो कैसे होता है, सब दिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप में जरूर मत करना। और अगला वीडियो में बनाऊंगा कि अगर आपको ऐसी टाइल्स लेनी हो 816 बड़े बड़े टाइल्स की, उसका भी एक अगले वीडियो बनाने वाला हूँ चीप रेट में। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी किलन है। अभी मैं जा ही रहा हूँ चल के, फिर भी अब एंड नहीं हुआ किलन का, मैं आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ, वरना इतना मैं जाता नहीं दूर, लेकिन क्या करना पड़ता है वीडियो आपके लिए सब कुछ। देख कितनी बड़ी किलन है, लिया पूरा उपसेट बनाया गया है, मतलब इस जो फैक्ट्री बड़ी हुई इसको बनाने में करीबन 50 से 60 करोड़ का खर्च होता है मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा भी हो सकता है शायद। तो सॉरी चाहूँगा थोड़ा अंधेरा है, क्योंकि मैंने यह थोड़ा वीडियो शाम को शूट किया था, और आपको पता है सर ठंडी के टाइम में जल्दी नाइट हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। देखो अब किलन का यंग एंड आया, अब मैं चल रहा हूँ देखो लाइट करके, अब आपको दिखाऊंगा आउटपुट किलन में से जो निकालते हैं मजदूर लोग, वो कैसे निकालते हैं पूरी सेफ्टी के साथ। थोड़ा थोड़ा वीडियो से खो रहा है इसलिए, देखो ये पूरा बाहर का नज़ारा है अपने फैक्ट्री का, इसमें तो जैसा कि आप देख सकते हैं किलन में से देखो ये निकल कर मजदूर लोग ऐसे उसको लेते हैं हाथ में सब ग्लव्स पहन कर, क्या वो ज़्यादा गर्म होता है वो किलन में से निकल, इसलिए देखो रख दिया उसको, ऐसा होता है सब कुछ। तो मैं आपको बता रहा हूँ किलन की फैक्ट्री कितनी बड़ी है, देखो मैं बाहर निकल कर आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये फैक्ट्री बड़ी है तो दूर दूर तक ये फैक्ट्री बड़ी बड़ी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, जो उसको टाइल्स पर पॉलिश करता होता है उसको नए नए करते हैं, और जो आपकी टाइल्स पर घर पर टाइल्स लगती है वो इतनी ग्लोसी की होती है और इतना वो स्मूथ कैसे होता है वो आज दिखाऊंगा मैं वीडियो में, जो आज तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा, आपको दिखाने वाला हूँ मशीन। ये जो मशीन है उसमें क्या होता है, उस पर पानी लग कर आगे जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा आपको धुंधला धुंधला दिखेगा क्योंकि वो नाइट में थोड़ा मैंने शूट किया था, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। तो ये आप देख रहे हैं पहला मशीन जो पॉलिश का है, इसमें क्या होता है टाइल्स अंदर जाकर उस पर पॉलिश किया जाता है टाइल्स को। ऐसे तीन मशीन है पॉलिश के, देखो ये पहला दूसरा और तीसरा, ऐसे टाइल्स को पॉलिश किया जाता है सही से, क्योंकि उसमें उसको चमक आती है ग्लोस आती है। और पहले पॉलिश होता है 3 बार और फिर नैनो 3 बार होता है, तो आपको वही मैं दिखाऊंगा नैनो कैसे होता है और पॉलिश कैसे होता है।
देखो पुलिस का लास्ट मशीन। तो अब आपको दिखाऊंगा कि टेरिस पर नैनो कैसे होता है, देखो ना आप सही से। तो ये देखो ये नैनो का मशीन है, जिसमें केमिकल जैसा आता है उस पर केमिकल डाल के उसको घिसा जाता है, घिसा जाता है, इससे क्या वो टाइल्स पर पूरा चमक आता है और नैनो होती है, और इतनी स्मूथ होती है टाइल्स जो बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी साइज की। देखो ऐसा किया जाता है उसको घिसाई घिसाई, उससे टाइल स्मूथ और ग्लोसी बनती है। ऐसा किया जाता है उसको स्मूथ, और ये मशीन पूरा हिलता रहता है क्योंकि सब जगह पर होना चाहिए ना बस, इसलिए देखो ऐसा होता है। 1 2 3 थ्री मशीन है नैनो करने के लिए, ये नैनो होता है, इसको नैनो बोलते हैं, नैनो करते हैं टाइल्स पर। देखो ऐसे होता है पूरा घिसा जाता है, और इसको जो आप देख रहे हो रबर, उसको भी एक एक दिन में बदला चेंज करना पड़ता है, वो भी खींच जाते हैं। अब देखना इसमें कैसे राउंड होता है टेल्स, देखो देखा आपने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि वीडियो मैंने थोड़ा अब इस शॉर्ट बना तरीके था, को इसलिए कागज कि आपको आएगा अच्छा लगना जिसमें चाहिए, जिसमें और हवा बालस का भी है नहीं आ उसको, जाना, किया ठीक है, पानी थैंक यू निकल जाएगा धन्यवाद। पूरा। देखो आप नीचे का